रेडार पर रहेंगे। लेकिन पहले मार्केट की बात करते हैं। मार्केट अभी भी एक रेंज में है, लोअर लेवल पर बाइंग आई लेकिन हायर लेवल पर फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर। हालांकि मिड कैप से मोमेंटम है, मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर, एडवांस डिक्लाइन बहुत ही शानदार पॉजिटिव। निफ्टी आईटी आज थोड़ा सेलिंग में है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे ट्रैक्शन हैं। नैलको, हिंदुस्तान कॉपर, जीएमआर एयरपोर्ट्स, पॉलीकैब, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया मार्ट, डेल्टा कॉप, आईईएक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको अच्छी दिखाई देंगे। लोअर लेवल पर आईटी स्टॉक्स, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा। वीरू जी, तो ये थी मार्केट की इस वक्त की थोड़ी सी समरी। एक दिग्गज और इसको ले आता हूं, जिसने कल इंडेक्स की प्राइस परफॉर्मेंस में और हमें हमारे हायर लेवल सिक्योर रखने में मदद की, दैट वाज रिलायंस। करीब करीब 2778 पर लोअर लेवल से रिकवर होकर अब करीब करीब 2780 को स्ट्राइक करता हुआ। ये लेवल मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक दिग्गज अपने इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर्स के पास आके बैठा हुआ है। ये कभी बाजार की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकता है। मानस, राजेश सतपुते, सुदीप शाह और रुचित जैन जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, गुड मॉर्निंग, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरू जी, मेरा पहला आइडिया है रेट गेन। हमने देखा कि ये स्टॉक में जबकि ट्रैवल और यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस है ये पूरे थीम पे अभी, तो पिछले 7-8 दिन का जो कंसोलिडेशन ये स्टॉक में देखा गया था ऊपरी स्तर पे, और ट्रेजेक्टरी था इसका पिछले अगर 3-4 महीने का भी ट्रेजेक्टरी स्टॉक का देखे तो बहुत ही बढ़िया है, और स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमो के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 761 के रेट से, 740 के स्टॉप लॉस से 800 के टारगेट के लिए रेट गेन को खरीदा जा सकता है। और सेकेंड पिक है जीएमआर एयरपोर्ट्स में हमने देखा है कि एक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न तो एस्टैब्लिश था ही वीकली बेसिस पे, और डेली वीकली मंथली तीनों तीन टाइम फ्रेम पे स्टॉक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम में, और 10 डेमा को आज भी स्टॉक ने फिर से कल और आज रिटेस्ट करके फिर से एक हायर ट्रेजेक्टरी के तरफ दौड़ लगा रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 83.50 के स्टॉप लॉस से 92 के टारगेट के लिए जीएमआर एयरपोर्ट्स में भी हम बाइंग कर सकते हैं। चलिए, ये हो गई इस समय की पिक सुदीप की। ज्योति सीएनसी की अच्छी लिस्टिंग हुई, स्पेस अच्छी है, स्टॉक थोड़ा महंगा है लेकिन स्पेस अच्छी है और कंपनी भी अच्छी है, अच्छी पेडिग्री की है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया इसको आज 12% ऊपर। इन लेवल्स पर मेरे ख्याल से आपको चेज़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपको कुछ डिक्लाइन मिले तो वहाँ पर लेने की कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा था तो उसके लिए पेंट अप डिमांड है थोड़ी सी, लेकिन 372 पर, अब मार्केट में फन एंड गेम्स होते रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 370 पे बाय नहीं है। हाँ, थोड़ा नीचे आए तो भले ही एक बाय बने यहाँ पर। रुचित के पास चलते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके पिक्स? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, मेरी पहली पिक टाइटन में खरीदारी की सलाह रही। स्टॉक ने अपने जो रीसेंट स्विंग हाई थे वो क्रॉस किया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो अप ट्रेंड हम पिछले काफी समय से देख रहे वो अभी भी कंटिन्यू होगा। और अगर हम ऑप्शंस के डेटा देखें तो 3760 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस अनवाइंड की है, और 3800 के कॉल में काफी सिग्निफिकेंट पोजीशंस है, लगभग 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट 3800 के कॉल में है। सो आई थिंक वहां पे अगर और अनवाइंडिंग आती है तो ये एक अच्छा मूव स्टॉक दे सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 3730 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको खरीदारी करने की सलाह रहेगी 3820 से 3830 की रेंज के लिए। और मेरा सेकंड पिक एक थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस में है, वो है डाबर। ऑल्दो स्टॉक ने अब तक इतने अच्छे मूव नहीं दिए, बट काफी स्ट्रॉन्ग एक इंपल्सिव अपमूव रिसेंट अपमूव में स्टॉक ने दिखाया, और जनरली हम टेक्निकल एनालिसिस में जब इंपल्सिव अपमूव देखते हैं तो वो यूजुअली एक तेजी की साइन रहती है। तो स्टॉक अभी भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे डाबर में भी खरीदारी की सलाह है, 545 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 580 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, डाबर पे, डाबर और मैरिको दोनों में ही कुछ देर पहले जब दिख रहा था मैं हरकत नजर आ रही थी, तो यहाँ पे 4 ट्रेड्स पूरे हो गए। राजेश सतपुते जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे? विरेन जी, देखिए मेरा पहला ट्रेड होगा मनप्पुरम। अगर मनप्पुरम में का स्ट्रक्चर देखें इंट्राडे स्विंग का, तो मेरे हिसाब से कम 182-184 का टारगेट आके लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 174 का, तो मनप्पुरम एक बढ़िया लगता है मुझे। एंड द सेकंड वन इज आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा एक हमें आईसीआईसीआई पर फोकस रखना चाहिए, हालांकि थोड़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा लग रहा है। 1025-1030 का टारगेट होगा और एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1005 का। ओके, तो यहां पर आपके 2 ट्रेड्स हो गए। मानस, आपके ट्रेड?
देखिए दो ट्रेड है, पहला तो गुजरात गैस पे खरीदारी करने की राय रहेगी, फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है गुजरात गैस में, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से ही बन रहे थे, तो आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 542 के रहेंगे और 562 562 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है गुजरात गैस में। और दूसरा स्टॉक मारुति का है, जहां पर कल आई थिंक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, 20 डे और 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ने रीगेन कर लिया है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है मारुति में, 10,100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 10,350 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मारुति सुजुकी, और मारुति सुजुकी के उस ट्रेड ने तारीफ यहाँ पर मानस की भी करनी पड़ेगी, मानस इसे पिक कर रहे हैं और इस बात की भी कि कल प्रकाश सर ने इसको बहुत ही अच्छे रब देखे जोन में इसको पिक किया था। अच्छा, एक दो स्टॉक्स में और मार कर दूँ जो अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। एक बार आप NBFC स्पेस में M&M फाइनेंस लेके आइए, बहुत देर से मेरे स्क्रीन पे इसके कुछ ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं बार बार, कर क्या रहा है ये? यस 284, यस अच्छा, आई मीन ऑप्शंस गलत नहीं थे और ये अपनी पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री को छोड़ के निकलता हुआ 280 और 265 में ट्रेड कर रहा था। रुचित, आपका टेक यहाँ पर? स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन में और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 285 के ऊपर ही है, सो आई थिंक अगर आज के सेशन में अगर ये 285 के ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छी मूव स्टॉक में रह सकती है, क्योंकि काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस भी विद इन द NBFC स्पेस में स्टॉक ने बताया है, तो अगर 285 के लेवल क्रॉस होते हैं तो भी 292 से 294 तक के लेवल स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सो अगर कंफर्मेशन के लिए वेट करें तो 285 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी, फिर 280 के नीचे स्टॉप लॉस रखें 294 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। चलिए, इस समय की सारी कॉल्स पूरी हुई और अब बात करते हैं जो हमारा इस समय का फीचर सेगमेंट है। श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और एक विशेष पूजन शुरू हो चुका है। इस बीच हम लगातार ऐसी कंपनियों की चर्चा कर रहे हैं जिनका श्रीराम मंदिर या अयोध्या से गहरा जुड़ाव है। सुमित, आज फिर एक कंपनी लेकर आए हैं जिसका काम दुनिया को अयोध्या का डिजिटल मैप मुहैया कराना होगा। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग, आज जो कंपनी हम लेकर आए हैं वो है जेनेसिस इंटरनेशनल। आमतौर पर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन अभी हाल में इसकी चर्चा ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट रिसेंटली ये स्टॉक करीब करीब 2 हफ्ते में 26-27% के आसपास का एक बड़ा जंप दिखा चुका है। वजह, पहले जेनेसिस इंटरनेशनल पर नज़र रखने की वजह क्या है कि अयोध्या में एक जो ऑफिशियल मैप है अयोध्या का वो इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा और उसको उसके लिए कंपनी को चुना गया है ऑफिशियल मैप के तौर पर। साथ ही साथ कंपनी के न्यू इंडिया मैप प्लेटफॉर्म को भी चुना गया है कंपनी की अयोध्या की अथॉरिटी की तरफ से ऑफिशियली। साथ ही साथ 2D नेविगेशन 3D डिजिटल मैप की सुविधा भी ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है अयोध्या में, और ना केवल अभी के हिसाब से बल्कि आने वाले समय में जैसे जैसे अयोध्या डेवलप करेगा EVs को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, वो डेवलपमेंट भी ये कंपनी ने अभी से अपने मैप्स के अंदर शामिल करते हुए दिखाई पड़ा है। अयोध्या की एक अयोध्या विकास प्राधिकरण की एक ऐप भी बनने जा रही है और उस ऐप का जो भी प्लेटफॉर्म होगा डिजिटली वो भी ये कंपनी प्रोवाइड कराते हुए दिखाई पड़ेगी, तो ये भी कंपनी के लिए बड़े गेम चेंजर के तौर पर आ सकता है। और शायद इसीलिए जैसे ये खबर आई उसके बाद से स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ा। दरअसल ये कंपनी डिजिटल मैपिंग के कामकाज के अंदर अग्रणी कंपनी मानी जाती है। 500 के आसपास कंपनी क्लाइंट्स हैं, कई सारे SMEs हैं जिसके साथ ये कंपनी ऑलरेडी कामकाज कर रही है। कुछ बड़े क्लाइंट्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर विप्रो, नैवटैक जैसे कुछ एक नाम है जो ये कंपनी के साथ ऑलरेडी कामकाज करते हैं, कुछ जापानीज कंपनी के साथ भी कंपनी का कामकाज है। इसके अलावा हाल फिलहाल में जब से ये खबर आई, इस खबर के बाद से स्टॉक करीब करीब 26% के आसपास का एक बड़ा मूव ऑलरेडी 2 हफ्ते के दौरान दिखा चुका है, और इस बड़े मूव के बाद स्टॉक जो है वो करीब 95 के मल्टीपल पे, यानी रफली 100 के मल्टीपल के आसपास शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा वैल्यूएशन साइड पे अगर देखा जाए तो हल्के से महंगे साइड पे इस कंपनी की जरूर वैल्यूएशन दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये कंपनी जो ऑलरेडी कामकाज कर रही है उसके लिहाज से अर्बन डेवलपमेंट, टेलीकॉम, वाटर सप्लाई, नेविगेशन, इंफ्रा डेवलपमेंट, ये कुछ इस तरह की फील्ड्स हैं जिसमें कंपनी अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। हालिया तेजी जरूर है, शेयर थोड़े वैल्यूएशन वाइज भी महंगे साइड पर चले गए, लेकिन कई सारे ऐसे डेवलपमेंट वर्क है, इसमें अर्बन डेवलपमेंट है, टेलीकॉम है, इंफ्रा डेवलपमेंट है, इसके ऊपर ये कंपनी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ती है, तो आप इस स्टॉक के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। ओके, देखिए ये जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ क्योंकि इनका एक कनेक्शन है, ये रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी हिसाब से, तो अगर आप बाय या सेल कॉल ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर करिएगा। लेकिन अंतरिम बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बजट से बाजारों की उम्मीदों पर और मार्केट्स के करंट माहौल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नेपियन कैपिटल के गौतम त्रिवेदी, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है। रेलिगर कैपिटल मार्केट और गोल्डमैन के साथ भी गौतम काम कर चुके हैं। DSP मेरिलिंच, CLSA एशिया और जार्डिन फ्लेमिंग में भी गौतम
रहे हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, आई थिंक इस साल हमारी ये पहली वार्तालाप है तो उसके लिए आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतरिम बजट से पहले मार्केट ऑल टाइम हाई पर, कल हमने एक नया रिकॉर्ड लगाया, 22,000 क्रॉस किया, बताइए क्या इस समय मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड और बजट से कोई खास एक्सपेक्टेशन मार्केट की? मुझे लगता है कि आप जो 2023 का जो साल जो अभी गया उसमें आप देखिए कि निफ्टी करीबन 20% बढ़ गया, ये आठवां साल है सक्सेसिव ईयर जहां पे पॉजिटिव रिटर्न निफ्टी ने दिया है, और ये तीसरा साल है सक्सेसिव ईयर अगेन जहां पे रीजनल आउट परफॉर्मेंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टरों ने इंडिया में जो निवेश किया है मार्केट में, आप देखिए कि रिलायंस का जो जियो का 4G सर्विस जो सितंबर 2016 में शुरू हुई, उसके बाद स्मार्टफोन्स का एक्सेप्टेंस शुरू हो गया, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई स्मार्टफोन्स की, EKYC हो गया, और उसके बाद जब ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज जीरोदा है, ग्रो है, एंजल मन वगैरह जो शुरू हो चुके थे, तो उसके बाद ये जो पेनिट्रेशन हो गया है पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे शहरों में भी लोग अभी स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो ये अच्छा भी है और ये बुरा भी हो सकता है, उसकी बात चर्चा बाद में कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसी के वजह से मार्केट में जो तेजी और सस्टेनेबिलिटी है वो इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद भी सस्टेन रहेगी मुझे लगता है। ओके, तो इसको कैसे प्ले किया जाए गौतम जी, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट ऑलमोस्ट कहीं भी नहीं है इस समय मार्केट में। हाँ, वो बात सही है। इनफैक्ट मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ जो शायद आपको चौंकना कर दे। हमने हमारे ऑफिस में एक स्क्रीन रन की पिछले हफ्ते, जहाँ पे 1150 जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी हमने जो परफॉर्मेंस देखी, तो देखी कि उनमें से 750 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने पिछले 12 महीनों में फ्रॉम द रिस्पेक्टिव 52 वीक लोज, फ्रॉम दैट पॉइंट उन्होंने 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो ये मतलब जो स्मॉल कैप और मिड कैप में तो मतलब पूछने की बात ही नहीं है कि जिस तरह से तेजी आई है वहां पे तो डर लगता है जरूर, लेकिन जो लार्ज कैप्स में आप देखें कि ऐसे कई स्टॉक्स हैं, मैं आपको बोलूं रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए आप, HDFC बैंक, TCS, इंफोसिस, मतलब ऐसे कई शेयर्स हैं जो करीबन 50% निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन उनका एवरेज रिटर्न पिछले 12 महीनों में करीबन 9.5-10% ही हुआ है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि आज के माहौल में, और जो आपने सही फरमाया कि इंडेक्स सस्ता नहीं है, इंडिया यू नो ओवरऑल महंगा है, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ जो करीबन 21 से 21 के बीच में आने वाले 12 महीनों के PE पे ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्केट सचमुच महंगा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोकल इन्वेस्टर्स अभी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियो से। गौतम जी एक स्पेस और PSUs में भी आई थिंक जो स्पेस पिछले 3 महीने में काफी वाइब्रेंट मजबूत रहा वो था OMCs का। सर आपकी नजर पड़ी इस पर, आपकी रीडिंग OMCs पर और PSUs में, OMCs पर आपका टेक क्या और ओवरऑल PSUs पर के बाद? देखिए PSUs में ये मैं कहूँगा कि जो रेलवेज में है, जो डिफेंस में है, वो PSUs ने मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज बीन फैंटास्टिक, कोई डाउट नहीं है। OMC की जब आप बात कर रहे हो कि मुझे लगता है कि OMC का जो शेयर प्राइस है इट इज़ डिटर्मिंड बाय द प्राइस ऑफ ऑयल, ऑयल बढ़ता है तो OMCs में इट इज़ पॉजिटिव, लेकिन जब ऑयल गिरता है तो शायद उनको भी डर है कि मार्केट को डर है कि सरकार विल रिड्यूस द प्राइस, जो ऑन द ग्राउंड जो पेट्रोल का प्राइस है वो रिड्यूस कर सकता है। जब ऑयल ऊपर जाता है तो ये भी डर होता है कि यू नो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इसके वजह से दे आर नॉट अलाउड टू इंक्रीज द प्राइस।
सो ये जो cyclicality फैक्टर है OMCs में, उसकी वजह से हमें तो पसंद नहीं है OMCs, even though the valuations are very very good, very low. वैल्यूएशंस ठीक हैं, लेकिन आई थिंक सीजनलिटी जो है वो गौतम सर को पसंद नहीं है. सर रियल स्टेट पे क्या कहेंगे? अब तो HFCs ने चलना शुरू कर दिया, बाकी रियल स्टेट के स्टॉक्स, रियल स्टेट इंसिलरी, वो तो खैर थी ही स्ट्रॉन्ग, ऑल टाइम हाई पे थी. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पिछले डेढ़ साल का स्टार परफॉर्मर रहा, अभी भी यहाँ पर व्यू क्या है आपका? मुझे लगता है कि रियल एस्टेट, आपने सही फरमाया कि रियल एस्टेट स्टॉक्स पिछले करीबन 18-24 महीनों में उनकी मतलब बहुत बड़ी तेजी आई है रियल एस्टेट स्टॉक्स में. DLF हो, मैक्रोटेक हो, शोभा हो, यू नो जितने भी बड़ी कंपनियां ब्रिगेड हो. पर लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आने वाले करीबन 3-4 सालों तक मुझे लगता है कि यहाँ से जो बड़ा परफॉर्मेंस जो है वो हो चुका है, लेकिन स्टेडी परफॉर्मेंस यहाँ से भी मिल सकता है. क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी लोग बड़े 8 जो अपने टॉप 8 सिटीज है, 8 बड़े शहरों में जो जिस तरह से डिमांड आ चुका है, जो पिछले करीबन 8-9 सालों तक डिमांड था, मतलब ओवरऑल डिमांड वॉज नॉट देयर, इट वॉज मिसिंग. मुझे लगता है कि लोगों ने इन्वेस्टर इन पर्टिकुलर जो स्टॉक मार्केट में खेले हैं, उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया है. और वो पैसा हर साइकिल में, हर बुल मार्केट में मैं देखता हूँ कि रियल एस्टेट में एंड में जाता ही है. तो मुझे लगता है कि डिमांड फॉर रियल एस्टेट इन जनरल, मुझे नहीं लगता है कि अभी कम रहेगा आने वाले कुछ सालों के लिए. अच्छा, अब चारों के चारों लार्ज कैप आईटी के नंबर्स आ चुके हैं और हम जो मार्केट ने बहुत शानदार रिएक्शन दिया सभी को, यहाँ पर आपको, आपके लिए क्या स्टैंड आउट रहा और कोई लार्ज कैप आईटी स्टॉक जो आपको इन पर्टिकुलर अच्छा लगा हो? नहीं, मुझे लगता है कि पिछले करीबन 18 महीनों से आईटी का ओवरऑल आईटी सेक्टर डिप्रेस रहा था और एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो थे. मुझे लगता है कि रिजल्ट्स वैसे इतने खास तो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद कि कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स वर मच बेटर. और उसकी वजह से मुझे लगता है कि डिमांड जो ऑर्डर विन्स है, इन्फोसिस देख लीजिए आप, TCS देख लीजिए, ऑर्डर विन्स स्लो डाउन नहीं हो रहे. और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट हैज टेकन दैट वेरी पॉजिटिवली. इवन दो रिजल्ट्स इतने खास नहीं थे, मार्केट हैज टेकन इट वेरी पॉजिटिवली. मुझे लगता है कि जो ये लुकिंग विद 3-5 ईयर व्यू, तो आईटी सेक्टर में ये लेवल्स पे निवेश करना मुझे लगता है इज नॉट अ प्रॉब्लम. ऑल्सो आप देखिए कि पोस्ट रिजल्ट्स के बाद जो रिसर्च रिपोर्ट्स जो आए हैं, जो एनालिस्ट के रिपोर्ट्स आए हैं, वो मोस्ट ऑफ देम हैव इंक्रीज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ. जो अर्निंग्स ग्रोथ इस साल एक्सपेक्टेशंस है 7.5-8%, अभी बोल रहे हैं कि FY25 FY26 में करीबन 11.5-14% ग्रोथ आ सकता है. तो एस्टिमेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड. ओके, अच्छा सर, थोड़ा सा बात करते हैं कमोडिटीज पर. इसमें मैं आई थिंक मेटल्स का जिक्र करना चाहूँगा, एट ऑल टाइम हाई. कॉपर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था. अगेन वो चीज़ें जिनका एक्सपोर्ट से बहुत बड़ा नाता भी होता है, नॉट एग्जैक्टली कंसंट्रेटेड टू लोकल डिमांड ओनली. इसमें सीमेंट को लेते हैं, इसमें आप मेटल्स को लेते हैं, फेरस, नॉन फेरस, और साथ ही साथ केमिकल्स. CY24 के लिए आपका व्यू इनमें से किस पे ज़्यादा पॉजिटिव है सर? मुझे लगता है कि सीमेंट में ये जो चार सेक्टर आपने बताए, उनमें से मुझे सीमेंट में अभी भी लगता है कि तेजी रहेगी. कैपेसिटी एडिशन काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो वो भाई लोगों का है कि आने वाले 2-3 सालों में कैपेसिटी का ग्लट शायद हो सकता है. लेकिन जिस तरह से सरकार और ये BJP सरकार इन पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे एज वेल एज सेंट्रल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, मुझे लगता है कि ये सीमेंट का कंजम्पशन लगातार रहेगा. ऊपर से जो हमने अभी रियल एस्टेट की बात की, जिस तरह से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, नॉट जस्ट बम्बई और दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब द टॉप 25-30 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सीमेंट का डिमांड मुझे भी लगता है लगातार रहेगा. तो ये चारों सेक्टरों में आपने बताया, फेरस, नॉन फेरस, केमिकल्स और सीमेंट, आई वुड बी बेटिंग ऑन सीमेंट. केमिकल्स में अभी भी लगता है कि
दी रिकवरी अभी आई नहीं है, और आप एग्रोकेमिकल्स में भी देखिए कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक मुझे लगता है कि थिंग्स रिजल्ट्स विल बी क्वाइट सॉफ्ट। गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बजट से पहले बिग एंड बोल्ड ट्रेड कॉल्स बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। सुशील गुड मॉर्निंग, आज के बिग एंड बोल्ड कॉल्स क्या रहेंगे? देखिए बिग एंड बोल्ड तो बाजार बना देता है कॉल्स को, कुछ रॉन्ग भी होते हैं। तो अगर मैं आपकी जो चहेती बातें हैं रॉकेट कॉल से शुरू करूं तो जी एंटरटेनमेंट अब एक ऐसे स्तर पे आ गया है और ये डिलीवरी का ही सौदा करने लायक, और इस वक्त खुशकिस्मती है कि फ्यूचर्स में है नहीं तो लोग गलती नहीं करेंगे। ये 240-45 का जी मेरे को लगता है 360 झटके में आ सकता है। अब चार्ट के पैटर्न वैसे बन गए हैं और कॉर्पोरेट अनिश्चितताओं को जितना ज्यादा बढ़ना था वो बढ़ चुकी है, यहाँ से कमी है। दोनों पक्ष जो साइबर रैटलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं सुलह होगी, उसके पीछे पीछे 30-35% ये डिस्टीवी भी उछल जाए। और एक जो एमटार टेक का शेयर, हम आपसे 15 दिन पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे निवेशक उन्हें हमारे क्लाइंट्स उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, अब आज उसमें तगड़ा ब्रेकआउट आ गया है तो मुझे लगता है 3300 की चाल अब एमटार टेक में शुरू हो गई। तो ये कुछ रोचक से 30-40-50% फटाफट बढ़ने वाले शेयर्स मैंने आपको बताए, शेयर्स और भी हैं। सुशील जी एक जो शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं उनमें आपका काफी पॉजिटिव व्यू रहा है, अब ये एंजल वन जैसे स्टॉक्स हैं मोतीलाल एडलवाइस IIFL, इनमें क्या व्यू बन रहा है? तो देखिए जब मोतीलाल ओसवाल 500 पे था तो मैं वीरू जितनी कविताएं तो नहीं कर पाता, मैंने कबीरदास जी का दुहाई सुनाया था आपको, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख। तो अब अगर मोतीलाल ओसवाल की आप चार्ट को देखोगे तो ये इस दोहे पे एक लाइन अब आप ऐड कर सकते हो कि मोती जब मिल गया तो माल बेच के पैसा घर में करना सीख। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल 500 का 1500 के ऊपर चला गया, 1600 तक चला गया और अब ये चार्ट यहाँ पे बिल्कुल भारी है। मार्केट की गर्मी के साथ 100-200 और बढ़ भी गए तो कोई असंभव बातें नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बॉटम और टॉप तो कोई जीनियस ही पकड़ सकता है। पर अगर मैं साल भर का दृष्टिकोण इन पे लूं तो यहाँ बेचने वाले आदमी को बहुत ज्यादा नीचे वापस ये सारे ब्रोकरेज के स्टॉक्स मिल जाएंगे, चाहे JM फाइनेंशियल हमने दिलाया, IIFL, एडलवाइस, एंजल वन, तो सब में मोटा करेक्शन है। और एडलवाइस और IIFL कोई बहुत ही नीचे चलेगा साल भर में तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब मैं इन सारी चार्ट्स में बहुत ज्यादा बेरिश हूँ। इनके साथ साथ जैसे हमने UTI AMC, HDFC AMC, ये भी जो स्टॉक्स आपको SBI लाइफ HDFC लाइफ, हम सब पे बेरिश हैं। UTI बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मुझे नहीं पता क्या अंदर डेवलपमेंट्स हैं, चार्ट बहुत ज्यादा बेरिश है। तो इस पूरे नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस NBFCs में सिर्फ एक अपवाद है कि JioJit थोड़े पुलबैक के बाद अभी भी लेने लायक है, चला ही नहीं है, उसकी चार्ट में ऊपर की जगह है, एक हम उसे लेंगे और एक हम SBI कार्ड जो हमने उसमें लेने की पोजीशन बनाई है पकड़ के बैठे रहेंगे। बस इन दो स्टॉक्स को छोड़ के बाकी जो जी में आए बेचो, पैसा उठाओ टेबल से। अच्छा ठीक है, I mean, आपका एक बहुत रीजनेबल अप्रोच है, जहां पैसा बन गया वहां से पैसा जो है वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट भी करिए। एक दो स्पेस और जो बहुत मूव दे रहे हैं सुशील जी इस वक्त, लाइक अब अभी कुछ देर पहले हम GMR एयरपोर्ट्स की बात कर रहे थे, आप रेलवेज को देखिए, IRCTC को देखिए, आप RVNL, IRCON, IRFC को देखिए, आप मैं ट्रेवल्स और टूरिज्म पे आ रहा हूँ, इंडियन होटल्स को देखिए, कल ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, इंडिगो को देखिए, इस स्पेस में अभी आपका व्यू क्या, अभी भी चेस करना चाहिए, किसको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? देखिए ये अंडरलाइन जो इवेंट्स अब हो रहे हैं इनको पहले से एंटिसिपेट करने के लिए ही तो बाजार किसी को रिवॉर्ड करता है, तो सारा संसार होशियार है, ये बातें सबको पता है कि इस तरह का ये माहौल बनेगा और उसी पर तो ये शेयरों के ऐसे भाव बने हैं। तो अब ये कोई यहां से नई एंट्री बनाने के पॉइंट्स नहीं है, टाइम टू टाइम जब जब जैसे सिग्नल्स आएंगे इनको मुनाफा वसूली करना चाहिए एक नंबर बात, और जब तक वो मुनाफा वसूली करने के बाद भी वो 5% और बढ़ गया 10% और बढ़ गया हमें फ्रस्ट्रेट करेंगी ये चार्ट्स। तो देखिए एक चीज हम जो मान के चलते हैं, बाकी लोग माने ना माने, कि इन स्टॉक्स में अगर कल को कोई मार्केट वाइड बड़ा करेक्शन बन गया किसी भी कारण से तो इतने डिस्ट्रीब्यूटेड आउट आइडिया है, ये हर किसी को पता है कि श्री राम जी का जो मंदिर अब बन रहा है उससे ये फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा, इधर ये परिस्थितियां, सबको सब कुछ पता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड आउट स्टोरी है।
अगला अगर बड़ा मार्केट वाइड करेक्शन आए तो सबसे ज्यादा स्टॉक्स गिर सकते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम मुनाफा वसूली और देखने का, दोबारा घूम के भाव मत देखिए नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड होइएगा। इतनी तेजी के बाजार में आपके बेचने के बाद भी 10% कोई चीज बढ़ जाएगी और उसको लेके फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो कल को 30-40-50% के डाउनसाइड आएंगे तो कैसे संभलेंगे। अच्छा सुशील जी, अभी तक वो स्टॉक्स हम बात कर रहे थे जिन पे ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, 52 वीक हाई लगा हुआ है, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे हैं, मैं दो स्टॉक्स आपसे पूछना चाह रहा था। एफएमसीजी बास्केट में सब कुछ चला, नेस्टे चला, कोलगेट चला, ब्रिटानिया चला, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज सीपी, ये मैरिको और डाबर चल के नहीं दिए, अब ये थोड़ा गिरना थम गए हैं काफी समय से इस रेंज में, हाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये मैरिको और डाबर पे आपका व्यू है कोई इस वक्त? हाँ बिल्कुल, आपसे मैं इसको शेयर करता हूँ। देखिए अगर स्क्रीन पे मेरी पीसीआर चार्ट दिखा पा रहा है मैरिको की, तो मैरिको जो बिल्कुल तलहटी पर है और हमने इस पॉइंट से ये पॉइंट से एक फोरकास्ट निकाला था 620 का, और यहाँ तक आने के बाद भी अगर एक ड्रॉप और दे दिया, एक और नया लो भी आ जाएगा तो मुझे डाउट कोई बड़ी बात नहीं है, पर स्ट्रक्चरली ये चार्ट यहाँ पे जो है इसे 5-10 दिन की टाइमिंग करना चूंकि ये एफेंडो में है बहुत ही स्वाभाविक है, पर वो न करके समझिए कि स्टॉक ट्रेडिंग के ग्रेड का स्टॉक नहीं है, जिसको डिलीवरी उठा के बैठने वाला 650-700 में आराम से बेच लेगा। और डाबर की चार्ट जो है मुझे लगता है जितने भी एफएंडओ के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण चार्ट पिछले 10 साल की रही है, तो ये रही है, ये कोई भी ट्रेंड बनने ही नहीं देती, खाली चौपी ओवरलैपिंग मूवमेंट्स आते हैं, तो हमारी क्षमता के बाहर है डाबर के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना, और लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ एक साइडवेज चैनल में घूम रहा है, साइडवेज रेंज में है, तो मैं इसे अवॉइड करूंगा। चूंकि एफएमसीजीज की बात की, एक स्टॉक मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं जहां पे हमने भी कुछ दिनों में काफी बड़े बाई कॉल्स को बार बार जनरेट होते देखा, मैंने आपको पिछले बार और उसके पहले कई बार कहा कि मैं एशियन पेंट्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, यहां से जो हमने इसकी तेजी का कॉल निकाला 3600 के ऊपर तक चलने का, अब ये एक सेकंड राउंड ऑफ करेक्शन कंप्लीट होके वापस एक नया बाई ट्रिगर हो गया है और हम इस रेंज में थोड़ा सा एक दो दिन रह के 3300-3040 से 3270-80 तक की रेंज में 2-3 दिन रहने के बाद ज्यादा से ज्यादा मुझे 3600 की तरफ उछलता लग रहा है। तो ये एक एफएमसीजी की स्पष्ट चार्ट है जहां तगड़ा स्पष्ट स्ट्रेट ट्रेंड है न्यू हाई की तरफ जाते हुए। ओके अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है अब सुशील जी, इस पे बात नहीं हुई अब तक? तो सबसे पहले तो अनुज आपको जय श्री राम, आपने जो ये निफ्टी का श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि से जो कनेक्शन जोड़ा वो बड़ा ही खूबसूरत तरीका था सोचने का, वो तो कल पूरा हो गया। अब ये जो हमारे को हेजिटेशन था, देखिए बहुत सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्राइडे मंडे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो देखिए ये जो मोमेंटम का डाइवर्जेंस है निफ्टी की चार्ट, कृपया पीसीआर मेरी चार्ट्स को दिखाएं, लैपटॉप कनेक्टेड है, ये महत्वपूर्ण चार्ट से दिखाएं जरा, तो जो मोमेंटम लैग कर रहा है, मोमेंटम जो है बाजार का लैग कर रहा है, ट्रेडर के लिए भाव से ज्यादा जरूरी है भाव का मोमेंटम, अब निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं है, तो यहां से कोई नई लेवाली करके तुरंत कोई कमा लेगा निफ्टी, ये कठिन लगता है, निफ्टी का खेल अलग है, स्टॉक रोटेशंस में अब जैसे एशियन पेंट्स को हमने पकड़ा या महिंद्रा एंड महिंद्रा को पकड़ने वाले हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील में 10-12% ऊपर लगता है, तब तक और 8-10 स्टॉक करेक्ट कर जाएंगे, तो ये ज्यादातर रोटेशनल मूव्स लगती है, और एक बार के लिए फिलहाल निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस जो है 22,450 तक है, जाएगा नहीं जाएगा वो देखने की बातें हैं, पर आप एक चीज को सिंपल भाषा में पकड़ो, 7 दिसंबर को निफ्टी का भाव था 21,156 और ये आ गया यहाँ पे 22,000 तक 1 जनवरी को, 1 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक हम करीब करीब 50 पॉइंट प्लस माइनस की रेंज में है, तो मोमेंटम नहीं है, इसलिए कोई बड़ा कॉल अभी मैं निफ्टी पे नहीं लेना चाहूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी बायस लेके ही बेचने का है, शॉर्ट सेलर के लिए चुनौतीपूर्ण है ये बाजार, हमें बीच में डीवीज में सेल सिग्नल मिला, अपोलो हॉस्पिटल में मिला, पर ये सारे सिग्नल फेल हो जाते हैं, जेएसडब्ल्यू में भी सेल सिग्नल था कि 25% घट जाएगा, 8% घटते के साथ वापस 22 सिग्नल आ गया, तो अभी बाजार तेजी का ही है, बस अब स्टॉक रोटेशंस बहुत सीरियसली होंगे यही मेरा अनुमान। बैंक निफ्टी हो सकता है 50,000 चली जाए, वो लगाड है, उस पर हमने काफी डिटेल वीडियो ट्विटर की ऑडियंस के लिए भी पोस्ट किया हमारी रिसर्च पीस का और अपने सब्सक्राइबर्स को, और बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिशनल ओल्ड स्टॉक्स थे ICICI, HDFC और कोटक, ये मुझे तीनों 10% बढ़ते लग रहे हैं भले ही निफ्टी 22,400 की भरी। कोटक आपने बोला 10% बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ से?
10% इंडिविजुअल स्टॉक्स, कोटक HDFC 7-8%, कोटक 10% 12%, ICICI बैंक 8-9%, ये तीन बढ़ेंगे। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक में करेक्शन हो गया, बंधन बैंक 210 चला गया, RBL 20 रुपया टूट गया, तब भी बैंक निफ्टी 50,000 हो गई, निफ्टी 22,400 के ऊपर जाए बिना बैंक निफ्टी 50,000 जा सकती है। और जिन स्टॉक्स को सबसे ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूटेड समझते हैं अभी इस वक्त फिलहाल वही सबसे ज्यादा बढ़ते लग रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा छद्म रचेगा और भागदौड़ करनी पड़ेगी ट्रेडर्स को ट्रेडिंग की आइडियाज के बीच में। कुर्सी पे आराम से बैठ के पैसे कमाने का समय जो था वो पिछले 6 महीने में चला गया, अब मेहनत मशक्कत का पैसा बचा है बाजार। चलिए, मेहनत मशक्कत करके पैसा बनाने में मजा भी आता है। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और अब सुमित के पास चलते हैं और ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए दिल्ली में। सुमित, मॉर्निंग। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।